आइए अब बात करते हैं एड प्रीमियम। कंपनियां एड प्रीमियम की कंडीशन में क्या एंट्रियां करती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एड पार्क, अब आता है एड प्रीमियम में, यानी लम सम में कौन सी चीज को करने जा रहे हैं हम लोग, एड प्रीमियम। ओके, एड प्रीमियम की कंडीशन में जब भी कोई कंपनी करती है तो क्या एंट्री करती है एड प्रीमियम। एट प्रीमियम, अब कंपनी कोई भी शेयर का, सपोज कीजिए कंपनी का एक शेयर था 10 रुपीज का, कंपनी ने इसे कितने में इशू किया, 12 में, तो वो क्या हो गए, वो एट प्रीमियम। एट प्रीमियम की कंडीशन में कंपनी के यहां पे जो पहली एंट्री होती है वो भी क्या होती है सेम, कौन सी एंट्री आती है यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जस्ट लाइक एट पार की तरह। ओके, यानी फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, कंपनी को जब एप्लीकेशन के अमाउंट मिला तो कंपनी ने एंट्री किया बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब कंपनी रिसीव करती है तब उसकी कंडीशन में जो सेकेंड एंट्री आती है वो क्या आती है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट, और अब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट कौन सी, जो 10 रुपीज का था जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा में कर रही है तो उसको कंपनी क्या करती है, उसको ट्रांसफर करती है किसमें, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, राइट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी जनरेट क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, बीइंग शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल एंड किस अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर से हम बात करते हैं एट पार और एट प्रीमियम की कंडीशन में क्या है, ये सेकेंड पार्ट है लमसम का एट प्रीमियम। एट प्रीमियम की कंडीशन में कंपनी क्या करती है, 10 रुपीज के शेयर को कितने में कर रही है कंपनी, 12 रुपीज, यानी फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रही, तो क्या होगा एट प्रीमियम। उसके लिए जो जनरल एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री बैंक ऑन डेबिट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकेंड एंट्री नेशन क्या हुआ, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड एंट्री से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, बीइंग शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एंड आउट। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर और पिस 10 ईच एट ए प्रीमियम और पिस टू पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, ऑल द शेयर वे अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। यानी कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, कंपनी के पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पे 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, और एक शेयर की प्राइस कंपनी कितना बता रही है 10 रुपीज, यानी एक शेयर का, यानी एट द रेट ऑफ कितना है, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। और कंपनी कितना एक्स्ट्रा ले रही है, ये क्या हो गई, ये फेस वैल्यू हो गई इसी कंपनी की, और कंपनी कितना एक्स्ट्रा ले रही है प्लस 2 रुपीज, ये क्या है, इसकी प्रीमियम है, प्रीमियम, ठीक है। अब कंपनी इसको प्रीमियम ले रही है, यानी कंपनी ने उस शेयर को कितने में इशू कर रही है, 12 रुपीज में,
और व्हाट टाइम जब कंपनी पैसा ले रही है, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, पब्लिक में ऑफर किया हुआ है, और कितने रुपीस में कर रही है, 10 रुपीस ईच का, 2 रुपीस प्रीमियम का, यानी टोटल कितने का हो गया वो 12 रुपीस का। जब 12 रुपीस की कंडीशन में आ रही है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब कंपनी को पैसा मिल रहा है यानी वन टाइम में पूरा पैसा मिल रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है, 10 + 2 = 12, और कितने शेयर पे आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर कितने यहाँ पे 20,000, यानी कंपनी कितना शेयर ऑफर की हुई है पब्लिक में, 20,000 शेयर। ओके, अब 20,000 इंटू 12 करोगे तो आपको कितना आएगा, 2,40,000। ये 2,40,000 कैसे आ रहा है, 20,000 × 12 × 12 कंपनी के पास जो एप्लीकेशन के अमाउंट आए वो कितना आ गया, 20,000 × 12 किया तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई कंपनी के पास, 2,40,000। अब इतना एप्लीकेशन आया और ये भी अमाउंट भी, इसमें भी कितना आ गया, 2,40,000 एंड आउट। अब कंपनी क्या कर रही है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, यहां पे बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई कंपनी को, अब कंपनी इसको क्या कहां ट्रांसफर करेगी, कैपिटल एंड प्रीमियम में, यानी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में सेम वही अमाउंट आएगी जो यहां पे आया था, 2,40,000। ओके, अब कंपनी इसी को अलॉट कर रही है, अब ये अलॉट कर रही है तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकती है, कंपनी हमेशा कैपिटल में हमेशा किससे करती है, फेस वैल्यू से, यानी कंपनी का एक शेयर की फेस वैल्यू कितने की है, यानी 20,000 × 10, यानी ये शेयर कैपिटल में कितने का आएगा, 20,000 × 10 के हिसाब से कंपनी कितना ट्रांसफर कर सकती है यहां पे, 2,00,000। ओके, अब प्रीमियम कितना, कंपनी एक्स्ट्रा कितना ली थी, कंपनी ने एक्स्ट्रा कितना लिया था, ये प्रीमियम कितने रुपीस का लिए, 2 रुपीस का है, जिसका उत्तर क्या हुआ, प्रीमियम में कितना आएगी कंपनी का, 20,000 × 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना आ गया, 40,000। ओके, यानी कंपनी के कैपिटल में ट्रांसफर कितना कर सकती है कंपनी, 2,00,000, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कितना कर रही है कंपनी, 20,000 × 2 के हिसाब से कितना ट्रांसफर की, 40,000। ये तो एक एग्जांपल था, अब आते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या क्या कंपनियां क्या कर सकती है, शेयर पे इशू कर सकती है कंपनी मार्केट में, तब उसके लिए कौन सी चीज को अप्लाई करती है और किस हिसाब से कंपनी शेयर को इशू करती है, यानी कंपनी जब शेयर इशू कर रही है एट पार पे कर रही है, एट प्रीमियम पे या एट डिस्काउंट तो कंपनी अभी करती नहीं है, कंपनी कब करती है वो जब कंपनी स्वेट इक्विटी वाली, लेकिन अभी हम लोगों ने बात किया एट पार का और एट प्रीमियम का। एट प्रीमियम के पे एक एग्जांपल लेके बात की कि कंपनी 20,000 शेयर था, कंपनी ने ऑफर किया हुआ है और टोटल का टोटल अमाउंट एक साथ रिसीव हो रही है, तब ये कंडीशन में जनरल एंट्री और अमाउंट कैसी आएगी। अब इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल लेते हैं, कंपनी कहती है सेवा लिमिटेड इशूड 1,00,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड पर्सन से जन 90, यानी कंपनी कह रही है कि कंपनी के पास अदर एग्जाम्पल, कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी के पास टोटल शेयर कितने का है, कितना नंबर ऑफ शेयर कितने हैं कंपनी के पास, 1,00,000 है। ओके, कंपनी के पास 1,00,000 शेयर है और कंपनी क्या कर रही है इसको, और एक शेयर की प्राइस कितने का है, 10 रुपीज का, प्रीमियम कितने का, 5 रुपीज, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए कंपनी के पास, 1,00,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की प्राइस जो है इसकी एट द रेट ऑफ रुपीज 10 और प्लस क्या कर रही है, 5 रुपीज प्रीमियम, यानी कंपनी जो कॉल कर रही है कितने रुपए में कंपनी मांग रही है, 15 रुपीज, 10 + 5 = 15, और वन टाइम में कंपनी रिसीव कर रही है, तब की कंडीशन में क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूं क्या है, सिवाय लिमिटेड इशूड 1,00,000 इक्विटी शेयर और रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब पर्सन से जन 90, यानी फुली सब्सक्राइब है, यानी 10 रुपीज प्लस 5 टोटल कितना हो गया, 15। अब देखो
बैंक में कितने अमाउंट से आएगी, कंपनी के पास कितना शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख, 1 लाख इंटू 15 किया तो यहां पे कितनी आ गई, 15 लाख। एनी डाउट? सेम से एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट में भी सेम अमाउंट 15 लाख, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, नेक्स्ट से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 15 लाख। ओके, नेक्स्ट शेयर कैपिटल में 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख इंटू फेस वैल्यू 10, तो 1 लाख इंटू 10 कितना है, 10 लाख। एंड फिर नेक्स्ट प्रीमियम कितने बता रही कंपनी, प्रीमियम कितने का है, 5 रुपीज का, यानी प्रीमियम ट्रांसफर कितना होगा, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 लाख। ओके, एंड ऑफ और नेशन क्या होगी, बीइंग शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ओके, अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, शेयर पेबल हो रही है किस पे, इंस्टॉलमेंट पे। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे थे लमसम में एट पार और एट प्रीमियम पे, अब इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो किस पे आएगी, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर कैसे इशू करती है, वो भी एट पार में और एट प्रीमियम में कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल के साथ एट पार में भी और एट प्रीमियम में भी। ओके,